सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता के हित और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए दो प्रतिवेदन के ऊपर सदन में चर्चा करने की स्वीकृति दी और हमारे स्पीकर साहब ने उसको मंजूर किया। इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 बार प्रतिवेदनों पर चर्चा हुई है और पहले ही वर्ष में 2 प्रतिवेदनों पर चर्चा होना उत्साह को जगाता है, उल्लासित करता है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं हमारे आदिवासी भाइयों, कांग्रेस के शासन में हुए मंडावरी नरसंहार के मृतकों और इमरजेंसी के अंदर शहीद हुए बस्तर के महाराजा को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उनकी जिस तरह से निर्शंस हत्या की गई वह देश के इतिहास का काला अध्याय है। मैं अदृश्य विपक्ष के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला तो है, हमें रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी का भी सवाल है। ये राजस्थान को नहीं जानते। मौत आएगी भी तो मरेगा नहीं ये राजस्थान। ये दरिया है, समंदर में उतर जाएगा राजस्थान। के अंदर मैं रिको के प्रतिवेदन पर कहां से शुरू करूं। कुंभाराम जी आर्य, जिनका नाम माननीय राहुल गांधी जी नहीं जानते और कुंभकर्ण कह के संबोधित किया था, उन्होंने अपनी उनके अभिनंदन ग्रंथ में लिखा है कि हम कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता, एक उस समय मुख्यमंत्री थे, एक मथुरादास जी माथुर थे जोधपुर के, और कुंभाराम जी आर्य थे। ये 3 चंदा मांगने के लिए कलकत्ता गए तो व्यापारियों ने इनके सामने सीधी शर्त रखी, एक प्रमुख व्यापारी थे, नाम नहीं लेना चाहता, कि 2.5 लाख रुपए प्रति सीमेंट की फैक्ट्री, 2.5 लाख रुपए ले लो और सीमेंट की फैक्ट्री का लाइसेंस दे दो। इस तरह से राजस्थान के औद्योगिक विकास की, कथित औद्योगिक विकास की बुनियाद कांग्रेस की सरकारों ने रखने का काम किया है। रिको यानी एक सफेद हाथी, सबसे भ्रष्ट अफसर को रिको में लगाया जाता था। यह 90 में बंद हुआ, यह 90 में बंद हुआ जब आइडेंटिफाई किए गए कि ये 2 अफसर रिको में क्यों रहते हैं। फिर तमाम सिफारिशें आई लेकिन यह तय हुआ कि नहीं, रिको को रिको के काम में लगाएंगे। और कैसी घटनाएं होती थी, मैं बिना ज्यादा सीनियर लोगों का नाम लिए, बिना कटुता का उल्लेख किए बिना बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बगरू के माननीय विधायक अभी तो बैठे हैं, इनके बगरू के अंदर रिको ने ऐसी संजीवनी फोडर की गारंटी ली जिससे रिको का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार से वास्ता था। घास पैदा करने की मशीनें वहां पर लाई गई और जो काम में आई शौचालय जाने के, 1 दिन भी घास का उत्पादन नहीं हुआ। लोग कैरेट भी उठा के ले गए, लाइट भी उठा के ले गए और कंडीशनर भी, एयर कंडीशनर भी उठा के ले गए। कौन था उस व्यक्ति, कौन था उसके पीछे जो देश का लोकसभा अध्यक्ष भी रहा हुआ था, कांग्रेस का सांसद और राज्यपाल भी रहा हुआ था। यह है रिको की स्थिति। केवल ऋण दिलवाना, ब्याज नहीं देना,
ब्याज बढ़ते चले जाना और फिर सेटलमेंट करने वाले कांग्रेसी दलालों का सक्रिय होना, यही रिको का 2500 बरस तक इतिहास रहा। क्या कुछ नहीं है? हमको तो खजाना खाली मिला, दो चूहे दौड़ रहे थे। और अगर केंद्र सरकार का समय के ऊपर भुगतान नहीं आया होता तो बिजली नहीं आ पाती, उसका पेमेंट हुआ तब जाकर के बिजली आई। अगर भाजपा सरकार नहीं बनती तो ऐसी सरकार बनती जो भाग करके चली जाती और यहां पर रह नहीं पाती। तो इस तरह का कार्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान जब नीचे से दूसरे नंबर पर था तो भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल के अंदर, लोग ध्यान करेंगे कि 10 साल में सबसे नंबर वन राज्य राजस्थान बना। पहला पुरस्कार राजस्थान को मिला। बीमारू से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार ने किया और बीमारू बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जहां जहां से कांग्रेस जाती गई वहां वहां से बीमारू शब्द हटता गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं ताजा प्रतिवेदन के ऊपर कि इन्होंने पहला यह तय किया कि लेखांकन की पूरी प्रणाली लेखांकन आईटी प्रणाली से लागू किया जाएगा। पहला विषय तय किया कि आईटी प्रणाली से लेखांकन होगा, जिसमें भारत दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन राजस्थान उस काम को भी पूरा नहीं कर सकी। जब लिख ही नहीं सके तो कर्म क्या करते, उसके भी उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अतिक्रमण और कानूनी विवाद, इसके केवल 200 करोड़ के मामले के अंदर तत्कालीन राज्य सरकार और अपने जो ये थे पर्यवेक्षक, इन लोगों ने जांच करने की कोशिश की तो पता चला कि उसके अंदर सरकार ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 200 करोड़ के मामले वार्षिक प्रतिवेदन के अंदर सामने आए हैं। लगभग 1200 एकड़ जमीन जिसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की, समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि सीएसआर फंड के अंदर हम अपना योगदान देंगे। इनको सीएसआर से मतलब ही नहीं है, आम आदमी से मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं, गरीबी से मतलब नहीं, भूखमरी से मतलब नहीं। बिराजे बस 2-4 मिनट खाली और बोल लेता हूं। 5-5 मिनट दिए, वो प्रतिपक्ष वाला समय थोड़ा सा दे दीजिए। वो नहीं है ना, 2-4 मिनट खाली बात कर देता हूं। अपनी सूची बहुत लंबी है, 2-3 चीजें कह देता हूं, एक मिनट में बात पूरी। हाँ, 2.25 लाख का ऋण लिया, 2.25 लाख करोड़ का, जो 6 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। और 72,500 का कर्जा हर राजस्थानी पर पैदा होते ही होता है, उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की सरकार। रिको से जुड़े हुए क्षेत्र जयपुर के अंदर, चाहे विश्वकर्मा हो चाहे सुदर्शनपुरा हो, लोगों से पैसे ले लिए, उनको सुविधाएं नहीं, क्योंकि वो पीछे से पैसा देने में चूक गए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा राजस्थान है इसकी प्राथमिकताएं बदल रही है। 13.25% कृषि के ऊपर निर्भर है, 28% उद्योगों पर निर्भर है और 58% के करीब सेवा क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। तो जब तक रिको अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेगा तब तक राजस्थान सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 13.25% लोग दुख पा रहे हैं, 28% लोग दुख पा रहे हैं,
58% लोग दुख पा रहे हैं, आप दो जनों की लड़ाई थी उसको कितना हमारे ऊपर थोप के चले गए। एक वो कहावत आती है, दो बैलन की जोड़ी, वो कर दिया हमारी स्थिति। तो मैं सदन से, आप सभी से, आदरणीय महोदय ने जो समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।